Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm gonna share with you guys DIY winter hand and foot scrub. Scrub करने से हमारे skin exfoliate होता है और scrub करने से हमारे skin में जो dead skin होता है वो remove होता है. लेकिन scrub करने के बाद हमारे skin बहुत dry feel होता है. Winter season में पहले ही हमारे skin बहुत dry होता है और scrub करने के बाद और भी dryness feel होता है. तो इसलिए मैं आज एक DIY स्क्रब के बारे में बताऊंगी, जिसे यूज़ करके स्किन एक्सफोलिएट भी होगा और स्किन में ड्राइनेस फील बिल्कुल नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको फर्स्ट इसमें और इसका मेन और की इंग्रेडिएंट है राइस फ्लावर, मतलब चावल का आटा. राइस फ्लावर में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है जो स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ में सन टैन और सन बर्न को भी प्रिवेंट करता है. फिर इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून हनी. हनी स्किन को एक्सट्रीमली मॉइस्चराइज करता है. एंड 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल भी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है. और मॉइस्चराइज करने के साथ डेड स्किन को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा. Then add 1 teaspoon olive oil. Olive oil skin को hydrate करने में help करेगा. अगर आपके पास olive oil ना हो तो आप उसके बदले coconut oil का भी use कर सकते हैं. अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को रोज वाटर के हेल्प से मिक्स कर लेना है. इसे आप अपने हैंड और लेग में अच्छे से स्क्रब करने के बाद ल्यूकोम वाटर से वॉश कर लेना है. इसे यूज करने के बाद आप फील कर सकते हैं आपकी स्किन कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज हो जाएगा. और आई होप ये स्क्रब विंटर में आपके ड्राई हैंड और फुट के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा.
मैं इस स्क्रब को पहले यूज कर चुकी हूँ और ये मुझे काफी पसंद आए। आई होप आप सबको भी ये स्क्रब विंटर सीजन में बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्क्रब आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए फॉर माई न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।